वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम आप लोगों की फरमाइश पर झटपट जबरदस्ती चिली बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिये हमारे पास यहाँ बड़े प्यारे प्यारे से, ये देखिये कितने बारीक दुबले पतले से, 2 पाउंड 1 किलो के आसपास ये मटन के पार्चे हैं। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। तो ये इतने बारीक बारीक है कि ये फौरन पक जाएंगे। तो अब बेसिकली इसको बनाने का तरीका ये है बारीक बारीक घर में, कि आप जब गोश्त लाते हैं ना, कोई भी मटन हो या बीफ हो, उसको फ्रीज़र में रख दें, अब धो वो के, अब फिर फ्रीज़र में जब रख देंगे एक अच्छी सी, मतलब वो हो जाएगी, जम जाएगा थोड़ा सा, फिर आप उसके बारीक बारीक अपनी मर्ज़ी से जैसा दिल चाहे बनाएं, मज़े करें। तो चले आप इसको चूल्हे को हम ऑन करते हैं और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून तेल, और ये खूबसूरत खूबसूरत पारचे डाल देंगे इसमें। देख कितने बारीक है, देखें ऐसे झटपट जबरदस्त से पक जाएंगे। अगर बीप होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इतने बारीक होंगे तो वो भी पक जाएंगे झटपट। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। चले अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डाल देंगे, जो कि कुछ यूं हैं कि 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप चाहें तो ये मैरिनेट करके, ये जो मैं डाल रही हूँ ना, वो रख भी सकते हैं, फिर जब दिल चाहा तो तेल डाला और उसको डाल दिया, फ्रिज में रखा हुआ है वो भी हो सकता है। चले अब इसको हमने अच्छे से मिला लिया है, गोश्त का पानी छूटेगा, इसमें हमने डाला है सोया सॉस और उसका पानी छूटेगा, तो इसको अब हम कवर करते हैं 15 से 20 मिनट तक। अभी हमारी फ्लेम जो है वो हाई है, क्योंकि फ्रिज का ठंडा ठंडा गोश्त था। जब इसमें हीट डेवलप होगी, जब हम इसको मीडियम टू मीडियम लो कर देंगे, और 15 से 20 मिनट डिपेंड आपके गोश्त पर है, अगर गल जाएगा तो जैसे 10-12 मिनट में भी गल सकता है, देख लेंगे, क्योंकि पानी तो डाला नहीं है, स्लो में ही पकाएंगे इसको। तो चले ये हो गया, अब हम यहाँ आते हैं। आज मैं, पता है, हमाम दस्ते का इस्तेमाल करूँगी, मुझे बड़ा पसंद है और इस डिश के लिए ये बड़ा परफेक्ट है। ज़रूरी नहीं है आपके पास हो तो यूज़ करें, ना हो तो आप वो चॉपर में क्रश भी कर सकते हैं, हाथ से चॉप भी कर सकते हैं। तो चले अब हम क्या करते हैं कि इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून के आसपास अदरक है, इसको हम डाल देते हैं अपने इसमें हमाम दस्ते में, और अब इसको हम कूटेंगे। क्रश टाइप का बड़ा मज़े का लगता है, लेकिन क्रश तो हो सकता है, चॉपर में भी हो सकता है, हाथ से भी हो सकता है, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है कभी कभी इसको यूज़ करने में। चलिए ये देखें, ये हमारा, हमने थोड़ा थोड़ा इसको कूट लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा लहसुन, 2 टेबलस्पून के आसपास हमने अदरक लिया था, और ये अंदाजन पूरा एक पॉट है, वो जो गार्लिक का होता है ना, लहसुन का पूरा एक, तो ये हम डाल देते हैं, तकरीबन होगा कोई 12-15 कलियां होगी। चलो इसको भी कूटेंगे, देखिए कितना मज़ा आ रहा है, लाइक ओल्डन डेज। वो जो हमाम दस्ते होते हैं ना, जो स्मूथ स्मूथ से होते हैं, उसमें इतना अच्छा नहीं पिसता है, वो जैसे रफ होता है ना अंदर, उससे बड़ा अच्छा सा हो जाता है। चले अब इसमें हम डालेंगे, ये देखें 2 हमारी बड़ी बड़ी हरी मिर्चें थी, इसको डाल देते हैं। अच्छा देखिए चूल्हा जो है उसमें फस 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 बहुत सारा अच्छी अच्छी स्टीम जो है वो कलेक्ट हो गई है, तो चले इसको अब थोड़ा सा हम हिलाते हैं और फिर स्लो कर देते हैं। देखिए वो कश्मीरी लाल मिर्चें डालिए तो वो कितना खुश्क है, लाल लाल बिल्कुल। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि कश्मीरी लाल मिर्च नहीं मिलती है, लेकिन एक्चुअली कश्मीरी लाल मिर्चें, देगी मिर्चें सब एक ही मिर्चें हैं,
और अगर एक दुकान में नहीं मिलती है तो मुझे यकीन है कि दो तीन दुकानों में आप पूछेंगे ज़रूर मिल जाएगी। मेरी अम्मी ने भी मुझे बताया कि भाई उनको भी मिल जाती है लेकिन फर्स्ट दुकान में नहीं मिलती है। आप लोग चेक करें क्योंकि इससे बहुत अच्छा कलर आता है। चले अब हम चूल्हा स्लो कर देते हैं। देखिए ये कुचला कुचला सा हो गया है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ी सी जगह करेंगे और यहाँ हम डालेंगे, हमारे पास एक टीस्पून काली मिर्चें साबुत है और कुछ सूखी लाल मिर्चें हैं। अगर आप चाहें तो इसको भी कम कर सकते हैं, इसको भी कम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको तेज़ कितना पसंद है। तो इसको भी डालेंगे और इसको भी कूटेंगे। अब नाम चिली है तो सब चिली जाएगी, वैरायटी ऑफ चिलीज जाएगी। अब सब मिक्स करते जाएंगे और कूटते जाएंगे। ऐसा लग रहा है वो तबला बज रहा है, धक टिक 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 धक टिक 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 टिक। देखिए हमारा कितना अच्छा ये सब मिक्स हो गया है, क्रश क्रश सा कुटवुट भी गया, पिस पिस भी गया, बड़ा मज़ेदार सा ये हो गया। बस अब ये गोश्त गलेगा तब मिलते हैं अराउंड 10 मिनट के आसपास में। 10 मिनट तो हो गए वैसे भी, चेक करेंगे फिर साथ। देखिए 15-20 मिनट हो गई है और गोश्त वैसे खुशबू ख़तरनाक आ रही है। चले अब हम देखते हैं, ये देखें तेल ऊपर आ गया है और बड़ा मज़ेदार सा लग रहा है ये देखें। अब आपको देख लेना इस पॉइंट पे कि आपके गोश्त की क्या हाल है, अगर ऐसा लगे तो थोड़ा सा पानी डाल के रख दें। अब ये देखें ये जैसे मैं देख रही हूँ, देखिए कितना अच्छा सा टेंडर हो गया है ना, तो बस ऐसा ही हमें चाहिए। अभी हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा कवर करके रख देते हैं और अब हम एक वॉक पर आ जाते हैं। कोई भी आप कढ़ाई ले लें, कुछ भी ले लें, पतीला ले लें, तो उसको मैंने चूल्हा जो है वो ऑन ही रखा हुआ है, इसको हमने रखा है मीडियम हाई पे। और अब इस पे हम डालते हैं 2 टेबलस्पून तेल। चले अब इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने बेहतरीन किस्म का कूटा ना, इसको डालेंगे तेल में हमारे। इसको सॉटे करेंगे। आहा, क्या शानदार खुशबूएं आ रही हैं, सब कुटा 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 की। थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं 1 टेबलस्पून के आसपास। बस इसको बहुत ज़्यादा सॉटे नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी खुशबूएं चाहिए। चले ये 1 मिनट हो गए हमारे फ्राई करते हुए। अब इसमें हम डालेंगे, देखें हमारे पास यहाँ रेड कलर की प्याज है। आपको रेड ज़रूरी नहीं है डालना, हो तो इससे कलर अच्छा लगेगा, जो भी आपके पास हो वो ले लें। तो तकरीबन 1 कप के आसपास ये इस तरह से हमने स्क्वायर स्क्वायर टाइप का कर लिया है, निकाल लिया है। इसके कुछ लाल मिर्चें हैं जो कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही मैंने कलर के लिए ले लिया। और ये आधे से ज़्यादा शिमला मिर्च है, बेल पेपर, ये ले लिए। इसको भी देखें थोड़े टुकड़े काट लिए। तो बेसिकली अब ये हम डाल देते हैं इसमें। और चूल्हे को फुल कर देंगे क्योंकि हमें ये अपनी पेपर्स और अनियन जो है इसको बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना है, इनको सॉटे करना है लेकिन सॉफ्ट नहीं करना है, यानी पकाना नहीं है, थोड़ा क्रिस्पी रखना है। बस अराउंड हम 1 मिनट इसको हाई हीट पे सॉटे करेंगे। देखें ये अराउंड 1 मिनट हो गई है, हमारे वेजिटेबल्स अच्छे से सॉटे हो गए हैं और क्रिस्पी भी है। अब हम गोश्त के चूल्हे को बंद करते हैं और ये गर्मा गर्म हमारा जो गोश्त है ये इसमें डाल देंगे। इसका तेल भी ले लेंगे सारा, इसमें बड़ा जायका है और फ्लेवर है। चले अब इनको मिक्स करेंगे। और अब इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो कि कुछ यूं है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी। अगर ना हो तो 1 छोटा सा टोमेटो आप ग्राइंड करके डाल सकते हैं, इससे क्या अच्छा सा मसाला बनता है, टेस्टी लगता है।
एक टीस्पून कोई सा भी आपकी पसंद का चिली सॉस, मेरा सारा चाय, एक टेबलस्पून केचप, आधा टीस्पून नमक, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सोया सॉस में भी नमक बहुत होता है, प्लस हम गोश्त में भी डाल चुके थे तो ये सब्जियों के हिस्से का मिलजुल के है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अब इसमें हम डाल देंगे कुछ साबुत हरी मिर्चें, जितने ही हमें पसंद हो, ये मैं दो डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, बस देखें कैसा शानदार ज़बरदस्त सा हो गया। बस अब हम चूल्हा बंद करते हैं और उसको डिश आउट करते हैं। चलिए और अब इसको हम थोड़ा सा हरे धनिए से गार्निश करेंगे। देखा कैसे झटपट हमने चिली बना ली। अब आप चाहें तो बीफ चिली बनाएं, आप चाहें तो चिकन चिली बनाएं, आप चाहें तो मटन चिली बनाएं, मज़ेदार। और उसकी गुड थिंग क्या है कि आप इसको रोटियों के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ खा सकते हैं, एज़ योर विश, आप लोग को जो दिल चाहता है वैसे खा सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल मैं ट्राई करती हूँ रूखा, क्योंकि वो भी बड़ा मज़े का लगता है। I'm so excited. ये देखा कितना बारीक बारीक, इतना टेंडर है और ऐसा दबा के मसाला चिपका हुआ है, फुल ऑफ फ्लेवर है, ख़तरनाक है। बल्कि मैं तो कह रही हूँ पराठों में रोल करके भी खा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसको करने के लिए। अब आप लोग जाएं जल्दी जल्दी बकरा ईद का जो भी गोश्त बचा हुआ है आपके पास फ्रीज़र में, उसको रखें धो के, फिर अपनी मर्ज़ी से बारीक बारीक तेज़ छुरी से जब थोड़ा सा जम जाए बिल्कुल बारीक बारीक पार्चे बनाए, फिर इंजॉय करें, मज़े करें और मज़े करवाएं। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल फन मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।